हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। गुलदाउदी, जिन्हें कि हम क्रिसेंथमम के नाम से भी जानते हैं, बरसात के मौसम में इनकी कटिंग लगाने का सबसे अच्छा टाइम होता है। 2-3 महीने में ही ये पौधे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद नवंबर दिसंबर तक इसमें फूल आने लगते हैं। पिछले साल के अगर आपके पास पौधे हैं या आसपास किसी के पास हैं तो इस समय कटिंग का मौसम होता है, उसमें से कटिंग निकाल सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे हैं, जिसे कि हम मिट्टी में या रेत में या कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। कोकोपीट में लगाना भी काफ़ी आसान होता है। मैंने बहुत सारे पौधे एक साथ ही लगाए हैं। इनकी पत्तियों से हम इन्हें पहचान सकते हैं। पत्तियों की बनावट अलग अलग तरह की होती है। अगर आप चाहें तो एक कलर का पौधा एक ही जगह पर लगा सकते हैं, ताकि पहचान रहेगी कि किस तरह का कौन सा वाला फूल है। जिनको पहचान है वो अपना उसी हिसाब से निकाल निकाल के, अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो अलग अलग जगह पे या ज़मीन में और पॉट में। मैं मिक्स ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने सब एक साथ लगाया है। पौधा लगाने के लिए मैंने बजरी, जिसे रेत कहते हैं, उसका यूज़ किया है। हमेशा मैं कटिंग्स इसी में लगाती हूँ। इसमें काफ़ी आसानी होती है पौधों की जड़ बनने में। पहले इसमें पानी डाल के इसे साफ़ कर लिया है और उसके बाद जिसमें लगाएंगे वो एक प्लास्टिक का डिब्बा है। इसमें आसानी से 15-20 कटिंग्स लग जाएंगी। इतने पौधे हमारे लिए काफ़ी हैं, कुछ रखेंगे अपने पास या कुछ बाकी लोगों को बांट देंगे। आप चाहें तो गमले में या पॉट में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इनको बारिश के पानी से हमें बचाना चाहिए। 2-2.5 इंच की मैंने कटिंग ली है और उनकी जो नीचे की पत्तियां हैं उन पत्तियों को हटा दिया है। 1 या 2 नोड दिखाई देती रहनी चाहिए, जो कि ज़मीन के अंदर रहेगी और उसमें से रूट काफ़ी आसानी से निकलेगी। कुछ छोटी कटिंग्स भी हैं, उनको भी मैं लगा दूंगी। लाइन से इन कटिंग्स को लगाएंगे। करीब 1-1 इंच या 1.5-1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए और रेत इस तरह से गीली होगी तो उसमें कटिंग आसानी से लग जाएगी। आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये काफ़ी आसानी से लग जाते हैं। और इसके अलावा फंगिसाइड भी रेत में मिला सकते हैं या पानी में मिला के उसमें डाल सकते हैं। पौधे सारे लग गए हैं, अब इसमें अच्छी तरह से पानी दे देंगे। कुछ मैंने पॉलीथीन में भी लगाए हैं, जो नर्सरी से आते हैं पॉलीथीन वो खाली रहते हैं, उसमें भी आसानी से ये लग सकते हैं। और या तो ज़मीन पर रेत फैला के या सॉयल में भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। 10-15 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। रेत में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि रूट्स नहीं तो सूख जाएंगी। पत्तियां जो सड़ गल जाती हैं और उसमें गिरती रहती हैं, उनको हम उठा लेंगे या कैंची की सहायता से काट के हटा देंगे, नहीं तो फंगस लगने का डर रहता है। पत्तियों पे हल्का हल्का पानी का स्प्रे करते रहेंगे और रेत में या मिट्टी में भी नमी बना के रखेंगे। सारे पौधे अब लग गए हैं। ये अलग तरह की पत्ती है, इसकी पहचान है। ऊपर से इसकी हम लोग बाद में कटिंग कर देंगे, ताकि बहुत सारी ब्रांच बनेंगी। पहले इनको एक एक करके निकालेंगे और उसके बाद आप चाहे पॉट में लगाइए, चाहे छोटे छोटे पॉट में पहले लगा के बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें हम हल्की छाया से धूप में रख देंगे। पहले बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखने की ज़रूरत है, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। इनकी जड़ सारी अभी बन गई हैं, काफ़ी अच्छी जड़ आ गई है और पौधे लगाने के लिए तैयार हैं। जितनी जल्दी हम इन्हें लगा देंगे ये बढ़ने लगेंगे, और ज़मीन में लाइन से लगाएंगे, चाहे पॉट में लगाएंगे या पूरी क्यारियों में भर के, हर तरह से इसे आसानी से लगा सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद आए तो कमेंट करिएगा।